हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग एक लिस्ट का प्रोग्राम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक का एक लिस्ट यूजर से एक्सेप्ट करवाएंगे। ठीक है, इसमें आप कोई भी नंबर एक्सेप्ट करवा सकते हैं, बट मैं जो है 1 से लेकर 10 तक नंबर लूंगा। और उसके बाद में इन जो नंबर्स है 1 से लेकर 10, तो इसके लिए मैं 2 ठो एम्प्टी लिस्ट लूंगा और इवन नंबर को अलग करवा दूंगा और ऑड नंबर को अलग करवा दूंगा। ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों को एक लिस्ट लेना है और उस लिस्ट का जो इवन नंबर रहेगा उसको दूसरा लिस्ट में और ऑड नंबर जो रहेगा उसको दूसरा लिस्ट में भेजवाना है और उसके बाद प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए ये प्रोग्राम कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक लिस्ट ले लेंगे, उसका नाम यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और ये खाली रहेगा। ठीक है, एम्प्टी रहेगा। उसके बाद अभी यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। जैसे कि 10 वैल्यू मैं दे रहा था तो यहाँ पे यूजर 10 लिखेगा, अगर यूजर को 5 देना है तो 5 लिखेगा, 6 देना है तो 6 लिखेगा। जो भी साइज होगा लिस्ट का वो यहाँ पे हम लोग यूजर को देना होगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि लिस्ट का जो साइज है वो डिसाइड कौन करेगा, यूजर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में यहाँ पे यूजर को मैसेज देना है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। उसके बाद अब यहाँ नीचे में यहाँ पे भी हम लोग कुछ प्रिंट करवा देते हैं मैसेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटर लिस्ट वैल्यू, और उसके बाद अब यहाँ पे फोर लूप का यूज करेंगे हम लोग, फोर आई इन एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंज। ठीक है, RANG रेंज, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, एन दे देंगे। एन में कौन सा वैल्यू आएगा, साइज ऑफ द लिस्ट आएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पे मैं ई ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पे INT वैल्यू हम लोगों को लेना है, यहाँ पे हम लोग INT लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस प्रकार से एक साइन दे देता हूँ, और इसके बाद ऐसे स्पेस। ठीक है, तो अब क्या होगा, यूजर जो वैल्यू देगा वन बाय वन, जैसे एक दिया तो वो ई में जाएगा, दो दिया तो वो ई में जाएगा। ठीक है, वो तो ई में जाएगा ही, साथ ही साथ नीचे क्या करना होगा हम लोगों को कि एल नाम का जो हम लोग लिस्ट बनाए थे उसमें हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करके जो वैल्यू यूजर देगा उसके थ्रू हम लोग कहाँ भेज दे रहे हैं, हम लोग का जो लिस्ट था जो कि एम्प्टी था उसके अंदर में यहाँ पे हम लोगों को ए लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट और लिस्ट, बस यहाँ पे लिस्ट लिख देते हैं, और नीचे में यहाँ पे प्रिंट और लिस्ट का नाम क्या है, हमारा एल है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि जो वैल्यू हम लोग दे रहे थे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, रन में जाएंगे हम लोग, इसको मैं हटा देता हूँ, ये प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम था, और एक बार मैं फिर से यहाँ पे जाके इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी चेक करने वाले खाली। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखिए ये सारा लिस्ट में वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि वहां पे इवन नंबर को अलग लिस्ट में एक तो और ऑड नंबर को अलग लिस्ट में एक तो सेपरेट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2 एम्प्टी लिस्ट ले रहा हूँ, एक आपका इवन नाम का और एक आपका ऑड नाम का। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फोर लूप यूज कर रहा हूँ, फोर एक्स इन एल, ठीक है। तो एल का जितना भी वैल्यू होगा वो सारा लूप होगा, ठीक है, फोर एक्स इन एल, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करवाएंगे कि एक्स जो वैल्यू है, अगर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, मतलब कि एक्स मॉडुलस 2, इसका मतलब होगा कि ये हमको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। आप सोचिए कि कोई नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और अगर हम लोगों को 0 मिल जाता है, तो दैट मीन्स वो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इट इज इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, फिर इवन नाम का जो हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाए थे, इसमें हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करेंगे और इस एक्स को इसके अंदर में हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो इवन नंबर इस प्रकार से सारा इवन वाला लिस्ट में चल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्स, और जो इवन नहीं होगा तो दैट मीन्स वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑड वाला लिस्ट को लेंगे और फिर डॉट append अपेंड, और उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे एक्स दे देंगे। अब फिर हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लिस्ट ऑफ इवन, EVEN, और नीचे में यहाँ पे प्रिंट, एंड देन यहाँ पे हम लोग इवन लिख देते हैं जो लिस्ट का नाम था हमारा। उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे प्रिंट, और इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं लिस्ट ऑफ ऑड, और यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग ऑड वाला लिस्ट, ठीक है ना, ये वाला लिस्ट ऑड जो नाम था। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको रन करवाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है हम लोगों से साइज ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि कितना एलिमेंट आप उस लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 10 लिख रहा हूँ, और उसके बाद में अभी यहाँ पे एक एक करके मैं वैल्यू डालूंगा। तो पहले मैं 1 डाल रहा हूँ, फिर 2 डाल रहा हूँ, फिर 3 डाल रहा हूँ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर मार रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले लिस्ट, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट जो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिए, और उसके बाद में फिर हम लोग प्रोग्राम के थ्रू में इवन नंबर को अलग करा। देखिए लिस्ट ऑफ इवन 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज द इवन नंबर, एंड लिस्ट ऑफ ऑड 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका ऑड नंबर, दोनों अलग हो गया, अलग होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिर से जाते हैं प्रोग्राम में, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तक तो जैसे कि इससे भी प्रीवियस भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम लिस्ट का देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को किस प्रकार से हम लोग लिस्ट का वैल्यू यूजर के द्वारा लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। अब रहा सवाल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ज्यादा कुछ किया नहीं है, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, हम लोग जो भी प्रेजेंट लिस्ट हम लोग का बन रहा था ओरिजिनल लिस्ट एल नाम का, उसको हम लोग पहले लूप के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। मतलब सारा एलिमेंट क्या होगा, 1 बाय 1 लूप के थ्रू आपका डिस्प्ले होता अगर हम लोग लूप यूज करते तो, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पे चेक करवा रहे थे कि भैया ये पर्टिकुलर जो नंबर हम लोग को मिल रहा है, जैसे सबसे पहले देखिए क्या मिलता, ये लूप जब मिलता तो एक्स का वैल्यू क्या होता, x=1 होता। तो यहाँ पे चेक होता कि एक्स जो होगा वो 2 से अगर उसका डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता, तो नहीं आता है, जाहिर सा बात हम लोगों को पता है कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी हम लोग को 0 नहीं मिलेगा। तो इफ वाला पार्ट नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट होगा। एल्स वाला पार्ट में हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग ऑड के अंदर में उसको भेज दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑड वाला लिस्ट था, जो हमारा ऑड वाला लिस्ट था, ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ बना देता हूँ लिस्ट, तो इसके अंदर में क्या होगा, 1 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू हम लोग को एक्स का क्या मिलेगा, मतलब जो हम लोग दे रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो लिस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, इसके थ्रू हम लोग क्या क्या लिस्ट लिए थे, 1, 2, 3, और देन यहाँ पे आपका 4,
ठीक है, तो फोर तक ही मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि इतना ही एलिमेंट है, फोर एलिमेंट है, तो वन चेक हुआ, उसके बाद जब टू चेक होगा तो देखिए अभी जो इफ कंडीशन है वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा, क्योंकि टू डिवाइडेड बाय टू इक्वल, मतलब उसका रिमाइंडर जो मिलेगा हम लोगों को, दो को दो से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर है वो जीरो मिलेगा, तो टू ए वहां पे हम लोग का इफ कंडीशन जो होगा ट्रू हो जाएगा, तो इसका ये लाइन ऑफ कोड आपका रन होगा, एल्स वाला पार्ट नहीं रन होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑड जो था, ऑड वाला लिस्ट जो था, अब यहाँ पे क्या होगा कि इससे पहले जब लूप हुआ था तो यहाँ पे एक वैल्यू था वन, अब क्या होगा यहाँ पे टू, ये एक वैल्यू आ जाएगा। और सेम उसी प्रकार से फिर जब यहाँ पे आपका ये थ्री आएगा तो इफ वाला पार्ट रन नहीं होगा, क्योंकि थ्री ऑड नंबर नहीं है और ये इवन नंबर नहीं है, और ये चेक हो जाएगा कि थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग को जीरो नहीं मिलता है। बस अब इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो हमारा लिस्ट था यहाँ पे, सॉरी ये ऑड नहीं होगा, ये आपका EVEN होगा और यहाँ पे वन नहीं होगा, सॉरी है ना, ये आपका टू आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इवन में अपेंड करवा रहे हैं ना। ठीक है, उसी प्रकार से अभी यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऑड है तो ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से इसमें वन था और यहीं पे मैं अगर कर दूं तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे वन था तो दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर जब एक्स हम लोग को फोर मिलेगा तो फोर को कहाँ अपेंड करेगा, ये फोर को इवन वाला में अपेंड करेगा। अब मान लीजिए कि आगे जाता नंबर, तो यहाँ अगर फाइव मिलता तो फाइव को चेक करता वो इवन है कि ऑड है, और फाइव तो इवन है तो उसको यहाँ पे भेजता। उसी प्रकार से मान लीजिए कि और अगर नंबर हम लोग दिए रहते, यहाँ पे सिक्स दिए रहते तो सिक्स क्या है, सिक्स इवन नंबर है तो उसको कहाँ अपेंड करवाता, यहाँ अपेंड करवाता इवन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑड है कि इवन है, अगर नंबर इवन होगा तो उसको इवन वाला लिस्ट में अपेंड करवाएगा, अगर नंबर ऑड है तो उसको ऑड वाला नंबर में इवेंट करवाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए थे जिसके मदद से हम लोग इवन और ऑड का जो भी वैल्यू आया रहेगा वो हम लोग वहां पे देख सकते हैं आउटपुट में। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर मेरा ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।